दोस्तों स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आपके मोबाइल में थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हमारे मोबाइल में थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप इसको कैसे इनेबल करेंगे, तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। और दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, वीवो Y75 मोबाइल में आप कैसे अपने थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, यानी कि दोस्तों उसको कैसे चालू कर पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि दोस्तों आपके मोबाइल में थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों गारंटी है इस बात की, अगर आपको मोबाइल में थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है और इसको कैसे शो कराना, दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना सेटिंग ओपन करना है। और जैसे ही सेटिंग ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको नीचे आ जाना है और नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन। दोस्तों आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा एक एस कैप्चर का, उस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्लाइड डाउन विथ थ्री फिंगर्स टू टेक ए स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपके उसके सामने जो टिक है उसको यहाँ पर इनेबल कर देंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको थ्री फिंगर लेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से नीचे की ओर स्लाइड करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्क्रीनशॉट हो चुका है। तो दोस्तों आपको फिर से बैक आके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से थ्री फिंगर लिया और स्क्रीनशॉट स्लाइड किया जैसे ही थ्री फिंगर से, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हो चुका है। दोस्तों इस प्रकार से आप वीवो Y75 मोबाइल में आसानी से थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना चालू कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो से सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब।